वेलकम टू जी खबर। देखिए, यूपी पुलिस परीक्षा के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आंतरिक सुरक्षा यानी इंटरनल सिक्योरिटी। भारतीय आंतरिक सुरक्षा से हर बार उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी आपके 6 से 8 नंबर जो हैं पक्के हैं कांस्टेबल भर्ती में। अगर इसके बाद जो यूपीएसआई परीक्षा होगी वहाँ पर भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाएंगे इस टॉपिक से। तो भाई, इस साल का जितना भी इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो हमको इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएँ और हम आपको प्रोवाइड करें। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा आप देने जा रहे हैं तो आपको यहाँ से प्रश्न श्योरिटी देखने को मिलेंगे भाई। अभी 3 से 4 प्रश्न बहुत होते हैं, तो आपको अच्छे से इस पूरी वीडियो का जो है क्वेश्चन को देखना है और अच्छे से एनालिसिस कर लेना है हर क्वेश्चन की, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, वीडियो का पहला ही क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 22 जनवरी 2020 को बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स यानी IAA और एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी ASI के पहले सम्मेलन में इसरो द्वारा मानव युक्त गगनयान मिशन हेतु एक अर्धमानवी जो है महिला रोबोट को लॉन्च किया गया है और इसका नाम क्या है। ठीक है, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट सबसे पहली बात तो यह है कि मानव युक्त है गगनयान जो कि आपका नेक्स्ट ईयर होने वाला है। ठीक है, तो बोला क्या जा रहा है कि इन्होंने क्या किया है इस मिशन के लिए, एक अर्धमानवी महिला रोबोट। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अर्धमानवी महिला रोबोट का जो है नाम क्या है। ठीक है, तो भाई देखिए, क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है व्योम मित्र, फिर है मिशन शक्ति, फिर है मिशन गगन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें कि मानव युक्त गगनयान स्टार्ट करने वाला है भारत, और ये भारत का पहला ऐसा जो है मिशन है जिसमें वो मानव भेजेगा मतलब अंतरिक्ष में। तो इन्होंने एक अर्धमानवीय महिला रोबोट को लॉन्च किया है, और ये जो रोबोट इसका नाम क्या है तो आपको याद रखना है, इसका नाम है व्योम मित्र। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा श्योरिटी एग्जाम में, देख लीजिएगा। चलिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो है इसरो के जो है अनुसार किस वर्ष तक भारत द्वारा अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो भाई देखिए, अंतरिक्ष में अपना स्टेशन कब जो है स्थापित किया जाएगा तो आपको याद रखना है, ऐसा इसरो मानता है, तो 2030 तक। ठीक है, तो इसरो ने स्पष्ट कर दिया है कि हम जो है 2030 तक ये प्लानिंग कर रहे हैं कि अंतरिक्ष में हम क्या करें, अपना अंतरिक्ष स्टेशन जो है स्थापित करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 3 सदस्यीय दल को अंतरिक्ष भेजने के लिए गगनयान योजना को भी मंजूरी दी गई है। यह परियोजना भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के दौरान पहली ऐसी परियोजना होगी जिसमें मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो यह किस वर्ष शुरू होगी? तो भाई देखिए, अभी पहला ही क्वेश्चन था ना, जो व्योम मित्र रोबोट महिला रोबोट बनाया है वो इसी जो है योजना के लिए है, यानी गगनयान जो मिशन है इसके लिए ही है। ठीक है, तो भाई मानव को जो है अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और ये किस वर्ष शुरू की जाएगी ये आपसे पूछा जा रहा है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, 2021 में यानी नेक्स्ट ईयर में जो है ये दिसंबर के अंत तक यानी ये मिशन जो है कंप्लीट किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, जो ये क्या होगा, ये जो मिशन होगा एक कैप्सूल बनाया जाएगा, तो उस कैप्सूल में ही जो भेजा जाएगा मानव को। तो देखिए क्या है इसके जो इम्पॉर्टेंट कीज फैक्ट वो आप देख लीजिए। तो देखिए क्या है, हिंदुस्तान जो है एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका निर्माण करेगा, इस कैप्सूल का जो निर्माण करेगा जिसमें जो ये मानव जाएंगे अंतरिक्ष में, तो इसका जो निर्माण करेगा इस कैप्सूल का वो कौन करेगा, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करेगा। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको आपको याद रखना है। फिर याद रखिएगा, यह जो है 3.7 टन का कैप्सूल जो कि 3 व्यक्ति दल के साथ 7 दिनों के लिए 400 किलोमीटर यानी 250 मील की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें जो कितने मानव जाने वाले, तो भाई 3 लोग जाएंगे। ठीक है, और 400 किलोमीटर यानी 250 मील की ऊंचाई पर पृथ्वी की ये परिक्रमा करेगा। तो इस कैप्सूल का जो वेट है वो क्या है, 3.7 टन है, और इसका जो निर्माण कर रहा है वो कौन कर रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड निर्माण कर रहा है इसका। ठीक है, तो सभी फैक्टेबल क्वेश्चन है, आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है,
फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारतीय इसरो ने अपने संचार उपग्रह यानी जी सेट 30 को यूरोपियन रॉकेट एरियन यानी 5-VA251 की मदद से निम्नलिखित में से किस स्थान से लॉन्च किया। तो भाई देखिए क्या है कि ये संचार उपग्रह है, भारत में संचार जो है उसका और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए और मजबूत करने के लिए भारत का संचार साधन, इस कारण जो है जी सेट 30 को यूरोपियन रॉकेट द्वारा जो है एरियन 5-VA251 की मदद से निम्नलिखित में से किस स्थान से लॉन्च किया गया है। तो भाई इसरो ने अपने जी सेट 30 को कहाँ से लॉन्च किया है, तो आपको ये पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन। तो यार क्या फ्रेंच गुआना से इन्होंने ये जो है भेजा है, और इस साल का ये एकमात्र मिशन है जो कि अभी इसरो ने पूरा किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय आंतरिक सुरक्षा हेतु हाल ही में 5 लड़ाकू राफेल विमान का बेड़ा जो कि अंबाला पहुंचा। भारत ने जो है राफेल लड़ाकू विमान जो है निम्नलिखित में से किस देश से खरीदा है, ठीक है। तो भाई आंतरिक सुरक्षा का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राफेल तो भाई बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में भी रहा है, तो आपको ये क्वेश्चन छोटे देखने को मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात रखिएगा कि 5 राफेल लड़ाकू विमान आए हैं अभी, और इसका जो पहला बेड़ा कहाँ पहुँचा था, तो अंबाला पहुँचा था, ये चीज आपसे पूछा जा सकता है। आप पूछा क्या जा रहा है कि राफेल लड़ाकू विमान निम्नलिखित में से किस देश से खरीदा है। आपके ऑप्शंस में रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। देखिए होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे जो ऑप्शंस होते हैं थोड़े से मैचिंग होते हैं, जिसकी वजह से हम थोड़ा सी एग्जाम में हड़बड़ा जाते हैं, तो हम क्वेश्चन गलत कर जाते हैं, ठीक है। तो भाई राफेल लड़ाकू विमान को कहां से खरीदा गया, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपको नहीं आता या आपके ऑप्शंस देख के आपको थोड़ा सी मिस्टेक हो रहा है, तो बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है। ये फ्रांस से ख़रीदा गया है, ठीक है, फ्रांस से ख़रीदा गया है राफेल लड़ाकू विमान, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में मॉस्को की जो है 75वीं विक्ट्री परेड में निम्नलिखित में से किस देश की जो है 75वीं सदस्य सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया है। तो भाई ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो भाई मॉस्को की जो है 75वीं विक्ट्री परेड थी, और जो है 75 सदस्य सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया है, तो किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया है। आपके ऑप्शंस हैं भारत, चीन, अमेरिका और जापान। तो आपको याद रखना है भारत की सैन्य टुकड़ी ने इस परेड में भाग लिया था, मॉस्को की 75वीं विक्ट्री परेड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में राफेल लड़ाकू विमान के टेल नंबर, जो कि एयरक्राफ्ट का विशिष्ट पहचान नंबर होता है, उसे किस पूर्व वायुसेना प्रमुख के नाम पर रखा गया है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए क्या बोल रहा है कि हाल ही में राफेल लड़ाकू के टेल नंबर, जो कि क्या होता है एयरक्राफ्ट का एक विशिष्ट पहचान नंबर होता है, जिसे जो है किस पूर्व वायुसेना प्रमुख के नाम पर रखा गया है। आपके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको करेक्ट आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो फिर से देख लीजिए क्या है। लड़ाकू विमान राफेल के टेल नंबर की बात की जा रही है, और ये एयरक्राफ्ट का विशिष्ट पहचान नंबर होता है, और पूर्व वायुसेना प्रमुख है कौन, एयर चीफ मार्शल BS धनोवा, और इनके नाम पर ही ये नंबर रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सुगौली संधि निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य है। यूपी पुलिस परीक्षाओं के लिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। जेल पुलिस परीक्षा देने वालों, UPSI परीक्षा देने वाले, अगर आगे कांस्टेबल परीक्षा भी होती है, तो आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, सुगौली संधि जो है निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य है। आपके ऑप्शंस में भारत और नेपाल, भारत और चीन, भारत और भूटान, और भारत और बांग्लादेश, ठीक है। तो भाई देखिए सुगौली संधि जो है वो भारत और नेपाल के मध्य है, और ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, देख लीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में किस भारतीय पड़ोसी देश ने अपना नया राजनैतिक नक्शा पास किया, जिसमें जम्मू एवं कश्मीर के संपूर्ण क्षेत्र को तथा गुजरात के कुछ क्षेत्रों को अपना हिस्सा बताया, जो कि एक विवादित नक्शा था। तो भाई ऐसी ओछी हरकत कौन कर सकता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, मुझे पता है आप सबको पता हो गया होगा।
भाई पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान ने अपना एक राजनीतिक नक्शा जो है पास किया था अभी हाल ही में। उन्होंने क्या किया है, जम्मू कश्मीर को और मतलब जम्मू कश्मीर के संपूर्ण पार्ट को और गुजरात के कुछ पार्ट को क्या किया, अपना हिस्सा जो है बताया है, ठीक है। तो इस तरह का नक्शा कौन बनाता है इनके, क्या ये तो समझ ही मतलब परे है बिल्कुल, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा किया है जो कि इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस भारतीय पड़ोसी देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। तो भाई अभी इस साल बोला जा रहा था कि शायद पाकिस्तान को क्या किया जाएगा, ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन इनका भी भाई है ढीला डाला। तो इन्होंने भाई फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने क्या किया है, ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है पाकिस्तान को, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि जैश ए मोहम्मद किस देश का आतंकी संगठन है जिसे हाल ही में भारत के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया है। तो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा यूपी पुलिस परीक्षाओं में, ऐसे प्रश्न बहुत बनते हैं, आप बहुत एनालिसिस करके हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको लगेगा कि क्या पढ़ाया था मैंने आपको, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन को क्रिएट करना बहुत बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है, और क्वेश्चन को ढूंढना, उसको सर्च करना, उसके लिए काफ़ी वर्क होता है, ठीक है। तो भाई क्या बोल रहे हैं, जैसे मोहम्मद किस देश का जो है आतंकी संगठन है जिसे हाल ही में भारत के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया है। तो भाई सिंपल सी बात है, इनका ही है, पाकिस्तान का जैसे मोहम्मद जो है एक आतंकी संगठन है जिसको हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने क्या किया है, एक आतंकी संगठन घोषित किया है। पहले से था लेकिन भाई होता नहीं है, प्रूफ चाहिए होता है, उस पर मोहर लगनी चाहिए, तो ये सब होता है। तो भाई इस पर मोहर लग चुकी है कि ये एक आतंकी संगठन है जो कि पाकिस्तान का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में नेपाल की संसद द्वारा अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया जिसमें भारत के किस प्रदेश के कुछ हिस्से को अपने नक्शे में शामिल किया, जो कि एक विवादित नक्शा था। तो देखिए एक नक्शा जो है राजनीतिक पास किया है आपकी पाकिस्तान ने, और एक जो पास किया है इसी वर्ष नेपाल ने भी किया है, ठीक है। तो भाई भारत के किस पड़ो राज्य के सॉरी किस पड़ो राज्य के जो है कुछ हिस्सों को इन्होंने अपने नक्शे में शामिल कर लिया, तो भाई यहाँ पर बात की जा रही है उत्तराखंड की, ठीक है। तो यहाँ के कुछ हिस्सों को इन्होंने क्या किया, अपने राजनीतिक नक्शे में क्या किया है, अपना हिस्सा बताया, जो कि एक विवादित नक्शा था, जो जिसकी काफ़ी आलोचना हुई थी भारत के अंदर, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि पीपल लिबरेशन आर्मी निम्नलिखित में से किस देश की आर्मी है। तो भाई ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो भाई पीपल लिबरेशन आर्मी निम्नलिखित में से किस देश की आर्मी है, आपके ऑप्शंस में है चीन, नेपाल, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। तो हम आपको बता दें पीपल लिबरेशन आर्मी जो कि चीन की आर्मी है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के रक्षा मंत्री की शपथ लेने के बाद निम्नलिखित में से किस देश की जो है सर्वप्रथम यात्रा की। तो भाई क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और फिर उसका आंसर करिए। और मैं ये भी बता सकता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ है, रूस की तरफ। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो बिल्कुल ना संकोच किए बताइएगा, सर हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे थे। फिर से क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के रक्षा मंत्री की शपथ लेने के बाद निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा जो सर्वप्रथम की है। तो हम आपको बता दें मोजाम्बिक की जो है इन्होंने पहली यात्रा की है, जो कि एक दक्षिणी अफ्रीकी देश है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत एवं चीन आर्मी की झड़प के बाद निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा को गए। तो भाई आपने देखा होगा कि भारत और चीन की आर्मी में झड़प हुई थी, तो उसमें काफ़ी इशूज रहे हमारे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। तो भाई जब राजनाथ सिंह गए हैं तो इसमें कुछ इससे रिलेटेड देखा जा रहा था। तो भाई कहाँ किस देश की यात्रा को गए थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई अब जो रूस के साथ है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अब यहाँ पर सही है रूस, क्योंकि ये रूस की यात्रा को गए थे, 3 दिवसीय इनकी यात्रा थी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस संस्था का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC, असम राइफल AR, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG।
तुम आपको बता दें कि भाई इन तीनों का तो है, बट असम राइफल का जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में नहीं है, ये आपका है शिलोंग में, ठीक है। बाकी राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी, आपका सीआरपीएफ और एनएसजी, इन सब का मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली के अंदर है, बट असम राइफल का है आपका शिलोंग में। पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन जो है देश का सबसे पुराना सीमा सुरक्षा बल है। भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन देश का सबसे पुराना सीमा सुरक्षा बल है। आपके ऑप्शंस में सीआरपीएफ, बीएसएफ, एआर या एसएसबी। तो हम आपको बता दें देश का सबसे पुराना सुरक्षा बल जो है वो है असम राइफल यानी एआर, ठीक है। अब कुछ की पॉइंट्स इसके देख लेते हैं। तो देखिए असम राइफल का जो गठन हुआ था वो 1835 में हुआ था, जो कि भारत में सबसे पहला है ये, ठीक है। फिर क्या, पूर्वोत्तर क्षेत्र का आंतरिक सुरक्षा ये देखता है, ये चीज़ आपको याद देख कर रख कर चलना है। फिर क्या, पूर्वोत्तर का इसको पहरी भी बोलते हैं असम राइफल को, पर्वतीय लोगों का मित्र भी बोलते हैं असम राइफल को, और भारत म्यांमार सीमा सुरक्षा भी ये देखता है असम राइफल, ठीक है। तो ये चीज़ क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि S-400 यानी एंटी मिसाइल सिस्टम, Sukhoi-30 एवं MiG-29 जैसे उपकरण भारत किस देश से खरीद रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, Sukhoi-30, फिर MiG-29 और S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम उपकरण जैसे हैं, ये सब भारत किस देश से खरीद रहा है। तो हम आपको बता दें ये सभी उपकरण भारत खरीद रहा है रूस के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि गलवान घाटी निम्नलिखित में से किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में है जिसमें हाल ही में भारत चीन आर्मी की झड़प हुई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही श्योरिटी लिखा हुआ दिखा मिल जाएगा। तो फिर से देख लीजिए, क्या है गलवान घाटी निम्नलिखित में से किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में है जिसमें हाल ही में भारत एवं चीन आर्मी की झड़प हुई थी। तो यहाँ पर बात की जा रही है लद्दाख की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस अर्धसैनिक बल का पूर्व में जो नाम था वो क्या था, स्पेशल सर्विस ब्यूरो था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छे से देख लीजिए क्या बोल रहे हैं। निम्नलिखित में से किस अर्धसैनिक बल का पूर्व में जो नाम था वो क्या था, स्पेशल सर्विस ब्यूरो था। आपके ऑप्शंस में सशस्त्र सीमा बल यानी SSB, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा यानी CISF, या फिर इनमें से कोई नहीं। स्पेशल सर्विस ब्यूरो नाम था जिसको बाद में चेंज कर दिया गया था। तो मैं आपको बता दें सशस्त्र सीमा बल यानी SSB का जो है पहले नाम था स्पेशल सर्विस ब्यूरो था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि विदेश मंत्री हैं हमारे जयशंकर एवं चीन के विदेश मंत्री हैं वांग यी गलवान घाटी झड़प संबंधी चर्चा निम्नलिखित में से इन्होंने किस स्थान पर की, यानी दोनों लोग मिले थे, विदेश मंत्री हैं ये चीन के और ये हैं भारत के, एस जयशंकर और चीन के हैं वांग यी, और गलवान घाटी की जो झड़प हुई थी उसके बाद ये दोनों लोग मिले थे, चर्चा की थी इस विषय में। तो ये कहाँ पर इनके चर्चा हुई थी वो आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस में शंघाई, मॉस्को, न्यू दिल्ली या फिर सिंगापुर। तो भाई हम आपको बता दें मॉस्को में ये जो है चर्चा हुई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय सुरक्षा बल विश्व का सबसे बड़ा सुरक्षा बल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय सुरक्षा बल विश्व का सबसे बड़ा सुरक्षा बल है। तो याद रखिएगा BSF की बात की जा रही है और ये विश्व का सबसे बड़ा जो है सुरक्षा बल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा एक विवादित नक्शा पास किया गया जिसमें भारतीय लद्दाख क्षेत्र को चीन का हिस्सा बताया गया। ये क्वेश्चन मैं इससे पहले भी करा चुका था लेकिन ये इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको दोबारा रख लिया है ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो भाई क्या बोल रहे हैं, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा एक विवादित नक्शा पास किया गया है जिसमें भारतीय लद्दाख क्षेत्र को चीन का हिस्सा बताया गया है। तो आपको पता होना चाहिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, जब से कोरोना काल हुआ है विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो झुकाव है वो चीन की ओर कुछ ज़्यादा ही दिखा है शुरू से ही, ठीक है।
तो इन्होंने भाई एक नक्शा जारी किया था जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे था, जिसमें क्या इन्होंने किया था कि लद्दाख के क्षेत्र को क्या चीन का हिस्सा दिखाया था, जो कि एक विवादित नक्शा था, ठीक है, जिसको भारतीय आलोचना का सामना करना पड़ा था इन्हें फिर, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में किस भारतीय पड़ोसी देश द्वारा गजनवी एवं राद सेकंड मिसाइल प्रक्षेपित किए गए हैं। तो भाई गजनवी है और एक है राद सेकंड मिसाइल जो इन्होंने सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर लिया है। आपके ऑप्शंस में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई हम बता दें, गजनवी और राद सेकंड मिसाइल जो है पाकिस्तान ने प्रक्षेपित किए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि टाइप 054A/P जो है गाइडेड फ्रिगेट लड़ाकू जहाज हाल ही में चीन ने किस भारतीय पड़ोसी देश को बेचा है, जो कि चीन का एक अत्यधिक विकसित लड़ाकू जहाज है। तो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो फिर से देख लीजिए क्या है, टाइप 054A/P गाइडेड फ्रिगेट लड़ाकू जहाज जो कि चीन ने बेचा है और ये किस भारतीय पड़ोसी देश को बेचा है, आपसे पूछा जा रहा है। और पूछा क्या, कहा क्या गया है कि चीन का अत्यधिक विकसित लड़ाकू जहाज है। तो भाई इनके परम मित्र वही पाकिस्तान को इन्होंने भेजा है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि लिपू लेक एवं काला पानी नामक विवादित स्थल भारत के साथ किस देश का विवादित भूमि स्थल है। तो देखिए लिपू लेक और काला पानी यही है जो विवादित रहा है, और ये नेपाल के साथ भारत का विवादित क्षेत्र है। बहुत टाइम से है ये, भारत इसे हमेशा से अपना मानता है और नेपाल इसे हमेशा से अपना मानता है, जिस कारण इन दोनों क्षेत्रों में क्या होता है, हमेशा विवाद होता ही रहता है, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि परवेज मुशर्रफ किस देश के पूर्व राष्ट्रपति एवं सेना प्रमुख हैं, जिन्हें हाल ही में देशद्रोह के कारण मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है। तो भैया याद रखिएगा, परवेज मुशर्रफ हैं पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति एवं पूर्व सेना प्रमुख, जिन्हें हाल ही में क्या है, मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हालिया आंकड़ों के अनुसार विश्व में हथियार खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आता ही होगा, अगर नहीं आता तो याद रखिएगा, दूसरा सबसे बड़ा देश जो है वो है भारत विश्व में हथियार खरीदने वाला। अब आपको एक क्वेश्चन बताना है कि विश्व में पहला ऐसा कौन सा देश है जो सर्वाधिक हथियार खरीदता है, दूसरे नंबर पर तो भारत है, ये क्वेश्चन आपके लिए बताइएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अफ्सा कानून के तहत किस भारतीय राज्य को आसाम क्षेत्र घोषित किया है। तो हम आपको बता दें, नागालैंड को केंद्र सरकार ने आसाम क्षेत्र घोषित किया है, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि केपी शर्मा ओली किस भारतीय पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनसे भारत के जमीनी विवाद के चलते वहाँ के नागरिकों द्वारा इनके इस्तीफे की भी मांग करी गई। तो भाई ये केपी शर्मा ओली हैं नेपाल के प्रधानमंत्री, इन्होंने बहुत जो है विवादित बयान भी दिए भारत के खिलाफ, तो जिस कारण क्या हुआ है कि नेपाल के नागरिकों ने, यानी भारत और नेपाल के रिश्ते ख़राब ना हो, तो इनके इस्तीफे की भी मांग करी थी, ठीक है। तो भाई ये थे इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और याद रखिए मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें आपको एक और अच्छा टॉपिक में आपको कवर कराऊंगा। तो आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको ये पसंद भी आई कराए, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, थैंक यू।